हम सभी ने सरकारी नौकरी में लोगों को सस्पेंड होते तो देखा और सुना है, लेकिन क्या श्रीराम के परम भक्त हनुमान जी के साथ भी कभी ऐसा हुआ है? जी हाँ, हैरत में मत पड़िए, उन्हें भी एक बार सेवा से निलंबित किया गया था और श्रीराम के हस्तक्षेप से ही उनकी बहाली हो सकी थी। आपको ये भी बताते हैं कि राम भक्त हनुमान जी की सस्पेंड होने की नौबत क्यों आई। इससे पहले कि आपको हनुमान जी के सस्पेंड होने का राज बताएं, आप महेंद्र कपूर का ये गाना याद करें। इसी गाने से मिलेगा आपको इस सवाल का जवाब। बताते हैं कि हनुमान जी किस तरह मुअत्तल और बहाल हुए, साथ ही ये भी बताएंगे कि हनुमान चुटकी क्या है और इस घटना से उसका क्या संबंध है। एक बार की बात है कि श्री राम के छोटे भाई भरत ने अपने भाइयों और सीता जी से कहा कि प्रभु की सारी सेवा हनुमान जी ही कर लेते हैं, हमारे लिए तो कुछ करने को बचता ही नहीं। मैराथन मीटिंग के बाद ये तय किया गया कि प्रभु सेवा का एक चार्ट बनाया जाए, जिसमें तीनों भाइयों और सीता जी की सेवा का समय तय हुआ। ड्यूटी रोस्टर बनाया गया, लेकिन इसमें हनुमान जी का पता साफ था। तालिका में हनुमान के लिए सेवा ही नहीं लिखी, ये हनुमान कैसे मानेंगे? बेचारे के लिए एक सेवा तो छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो वे दुखी हो जाएंगे। हनुमान ने बहुत सेवा कर ली, अब उन्हें विश्राम करने देना चाहिए। स्वामी, मेरा और मेरे देवरों का भी तो कुछ अधिकार है। सीता जी ने शेड्यूल पर श्री राम से अप्रूवल ले लिया। हैरत की बात यह है कि श्री राम ने हनुमान का नाम न होने के बावजूद भी क्यों इस शेड्यूल को अप्रूव किया, इसका राज भी आगे आपको पता चलेगा। हनुमान जी ने सेवा तालिका देखी तो बोले कि इसमें मेरा तो नाम ही नहीं है। वाह मैया, अच्छी उल्टी पट्टी पढ़ाई, सिंदूर पर तो आकर सब कुछ छीन लिया, मेरे लिए कोई सेवा ही नहीं। उनसे कहा गया कि चार्ट में लिखी सेवाओं के अलावा आप चाहे तो कोई और सर्विस ले सकते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु को जमाई आने पर चुटकी बजाने का काम तो रोस्टर में है ही नहीं, लिहाजा हनुमान जी को ये काम दे दिया गया। मेरी तो छोटी सी सेवा है, जब जब प्रभु को जमाई आएगी तब तब सेवक चुटकी बजाएगा। हनुमान जी तत्काल चुटकी तान कर भगवान के सामने वीरासन पर बैठ गए, न जाने कब उन्हें जमाई आ जाए और चुटकी बजानी पड़ जाए। श्री राम जहां भी जाते हनुमान जी उनके साथ साथ चलते, कि न जाने कब चुटकी बजाने की जरूरत पड़ जाए। सिर्फ रात में सोते समय वो श्री राम के पास से हटते थे, इस दौरान भी वो शयन कक्ष के पास एक ऊंचे छज्जे पर बैठकर प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे। उनकी चुटकी बजती ही रही, लगातार चुटकी बजते रहने के कारण श्री राम सो नहीं पाए, थकान के कारण उनका मुंह खुला रह गया। सीता जी ये देखकर घबरा गए। इस समस्या के समाधान के लिए गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, उन्हें सारी बात बताई गई। वशिष्ठ जी हनुमान जी को लेकर श्री राम के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि तुम्हारी लगातार चुटकी बजाते रहने से श्री राम की ये हालत हो गई है। अपने प्रभु की ये हालत देखकर हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद कर दिया और श्री राम को नींद आ गई। प्रभु के प्रति हनुमान का इतना अनुराग और समर्पण देखकर सीता जी ने कहा कि हनुमान, प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। हनुमान, तुम जीते हम हारे, आज से राम की सारी सेवाओं का अधिकार हनुमान को है, ये अनन्य सेवक है। भगवान भी सभी लोगों को ये सबक देना चाहते थे कि किसी से जलन नहीं करना चाहिए। इस तरह हनुमान जी का सस्पेंशन खत्म हुआ और वो सेवा में बहाल हुए। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि जानते बूझते भी श्री राम ने सबको सबक सिखाने के लिए ही ये लीला की थी। न्यूज पुराण। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट्स के जरिए अपने सुझाव दें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर करें।